हम लोग गए थे उत्तम के स्कूल। उत्तम का जो है आज आया था रिजल्ट, देखने गए थे, देख के आए हैं। बहुत अच्छा नहीं बोल सकते पर बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। पर उत्तम को अभी कम से कम 25% और जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इनका नंबर एकदम परफेक्ट आएगा। क्या समझे? रिवीजन नहीं करके गया था तो भी इतना आता है। ये रिवीजन नहीं करके गए थे, बहुत खुश है कि मैं रिवीजन नहीं करके गया तो मेरा फिर भी अच्छा मार्क्स आया। ये कोई बात हुई? स्टिकर नहीं लाना है। तो गाइज, इनके स्कूल में हमने इनके मैम से भी बोल दिया कि ये रिवीजन घर पे नहीं करते हैं, तो मैम भी बोली हैं कि अब हम देखेंगे इनको। और ये स्कूल में जो है कैमरा नहीं चलाने दे रहे थे, इसलिए इनके स्कूल का ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं शूट हो पाया। ये बोल रहे थे कि हम चलो घर पे जो है बताएंगे। तो उत्तम, आपका सबसे अच्छा कौन से सब्जेक्ट में नंबर आया है? मैथ्स और गुजराती। गुजराती मैथ्स। इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं है? और किस में अच्छा है? और किस विषय में अच्छा है आपका? ए उत्तम, हां सी वाली झाड़ू पीछे ताला खोल के लेके आओ। देखो पीछे जा रही हूं मैं, कहां है दिख नहीं रहा है। किस जा सी वाली झाड़ू पीछे देखो, गाड़ी वाड़ी धो। चलो बंद करो, आप जाओ अपना जो गाड़ी वाड़ी बनाना है बनाओ। जल्दी करो। आप क्या करने जा रहे हो? मैं गाड़ी धुलूंगी, अरे बाहर गंदा है इसको धुलूंगी, फिर जो दूसरा काम करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी अब जा रहा हूँ। कहाँ? वहाँ जहाँ कोई आता जाता है नहीं। अच्छा, गाड़ी धोना मस्त शैम्पू लगा के एकदम टनाटन। अरे नौकर नहीं, तुम मालिक हो, अभी तुम गाड़ी चला के आ रही हो, नौकर का क्या बात हो गया इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि शैम्पू लगा के एकदम मस्त, एकदम अच्छा वाला शैम्पू लगा दोगी थोड़ा चमक आ जाएगा। मैं आपको 2 बाल्टी पानी दे दूंगा। तो गाइज, हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जितना मुझसे लड़ लेती है उतना बगल नहीं लड़ पाती है। और इस चीज की बगल वालों से ये लड़े तो थोड़ा हम भी और भिड़ा के थोड़ा साइड में मजा ले। लेकिन ये भी चालाक है, बगल वालों से भिड़ती नहीं, और जब भिड़ती है तो सिर्फ हमसे ही। तो बगल वालों से भिड़ती तो थोड़ा और हम भिड़ा देते और थोड़ा साइड से हम भी मजा लेते। अरे वही वो कबूतर का लगाने के लिए आया था जाली, वो काका वो तो है ये ब्लैक क्या लगा, पीला तो है, ब्लैक भी है, उसी पे मिट्टी जम गया है। और शैम्पू लगा देना। नहीं भाई, अब मैं जा रहा हूँ। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे जितना अच्छा लगे। तो जब अपने मन से धो रही हो, अब मैं बोल दिया तो फिर नहीं लगाओगी? और लगा दोगी तो थोड़ा चमक आ जाएगा, एक हफ्ते का छुट्टी हो जाएगा। कौन सा? मैं आपका नौकर हूँ क्या? नौकर नहीं, पति हूँ। चलो दो ये वाला। धन्यवाद। कम से कम इतना तो बोलती हूँ, आपको भी नहीं बोलता। तबीयत मेरी जो कल इतनी खराब थी, आज मेरे से इतना काम करवाया। तो गाइज, हम आपको बता दें, ये फुलवारी हमें नहीं अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्या इसमें ऐसा रखा है कि इसमें 2-3 पौधे ऐसे हैं जो निकालने जैसे हैं, और ये हमको निकालने नहीं देती है। कभी बोलती है निकाल दो, कभी बोलती है मत निकालो। तो अगर हम ऐसे निकाल भी दें तो गुस्सा हो जाएगी। एक ये 2 पेड़ हमारे बहुत अच्छे हैं, ये वाले, ये जो है हमको बहुत अच्छे है। ये तो गाइस देख सकते हैं, हम वीडियो शूट कर रहे थे, ये पीछे से जो है हमारे यहाँ कॉलर में जो है पानी डाल दे। गुस्सा तो बहुत आया गाइस, क्या है? क्योंकि आपको पानी से बहुत ज्यादा एलर्जी, मुझे पता है। बताओ। पानी से एलर्जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऐसे कोई पानी डाल देगा जो है तो गुस्सा आ ही जाएगा। हाँ,
लेकिन फिर भी हम बहुत सीधे हैं, शरीफ इंसान हैं। क्या बात करते हो यार। बोले नहीं कुछ, बोले नहीं। तो गाय जब हम जा रहे हैं अपना, आप जो है शैम्पू ले लेना, शैम्पू लगा के एकदम अच्छे से। हाँ तो गाय जी उत्तम को कोचिंग छोड़ के आ रहे हैं, जाना मुझे भी था लेकिन मैं नहा के कपड़ा पहनने में थोड़ा सा लेट हो गया तो मुझे छोड़ के चली गई अकेले ही। मुझे भी कुछ काम था। क्या काम था? काम था लो आप कॉफी बना दो। तो देखिए गाइस, अब आप सुनेंगे नहीं, ये काफी हमसे ही बनवाती हैं और कहती हैं कि सारा काम घर का हम ही करते हैं। चल ठीक है, आप ही क्रेडिट ले लो, ये नहीं था तुमको। और कुछ लाना था? पनीर लाना था। भूल क्यों? क्यों मतलब भूल गए तो भूल गए, और क्यों, बाद में ले लेंगे। वैसे भी क्या, वैसे भी अब मुझे जाना पड़ेगा दोबारा। पूजा तो करने दो यार। नहीं तो गाइज, आपके भी घर में कोई पूजा करते समय बोलता है? ये पूजा कर रहे हैं और इनका ध्यान जो है, मैं अपनी दादी सास के, कहीं दूध इनका गिर न जाए, बह न जाए। जब माई पूजा करती थी याद है? हाँ। ये दुलाई तरी देखा बच्ची को दवा कर लगा गिर न जाते ही देखू, ये दुलाई इस चीज भुला ये तरी कह दे तू हाँ माई आवत है तो माई कहीं ना कहीं तो या है ना। आपका मुझे ऐसा बोलते डायलॉग मारते हो ना, अरे इंसान ही। आपने बोला था, आपने बोला था, मैंने बोला आपको दूध ध्यान दो लेकिन आपने बोला था कम करके रख दो तो कम करके रख दिया था। देखो बाहर है, चलो अब दिखाऊं आपको, मेरी बात पे विश्वास नहीं। अंजलि दौड़ो, अंजलि दौड़ो, अंजलि रन, भागो अंजलि, भागो 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 भागो। दूध को गिरना सही नहीं होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है कभी कभी नहीं। बहुत लोगों के लिए अच्छा होता है, बहुत लोगों के लिए नहीं होता है। अब अपने लिए क्या, आई डोंट नो। चलो मैं पहले पानी पीऊंगा, मिठाई खा के फिर कुछ और करें। अच्छी लग रही हूँ, पूछने के बाद थोड़ी बता, पहले ही बता दिया था, ऊपर बताया था मैं, तब भी मैंने पूछा ही था। अब मुझे क्या पता, तुमको 8 बार तारीफ सुनने की आदत है। मैं तो ऊपर ऊपर तो बताया था, आप अच्छी लग रही हो, बोलती क्यों हो? मैं क्या पूछ रही, शक्कर डाले हो? नहीं अभी कुछ नहीं डाला, अच्छी लग रही है। काजू कतरी का वाट लगा वो उत्तम ने दबा दिया। क्या खा रहे हो भाई अकेले अकेले? खाना। अरे खाना का मतलब, वो तो मैं भी देख रहा हूँ लेकिन क्या है? आज सब लोग पहले ही खा लिए तो मैं सोची मैं अकेले ही खा लूं। रोटी, आलू और सेम की सब्जी और ये पालक पनीर। सब लोग कौन पहले खा लिया? अभी तो मैं काम करके आ रहा हूँ, मैं खाया भी नहीं हूँ। सब लोग कौन खाया? आप और बच्चे सब लोग खा चुके। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अभी तक सिर्फ उत्तम और मैं खाया, और कौन खाया? तीनों लोग खा, तीनों लोग खा लिया। अभी पापा काम कर रहे थे। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ क्या कर रहे? पापा रोटी बना रहे थे क्या? रोटी में बना रही थी ना। ये क्या मतलब?
रोटी बनाया थी तो पापा भी तो काम ही कर रहे थे ना। पापा की तरफ देखो, पापा खुद ही बता देंगे। आप कर रहे थे कि नहीं? जब आप लोग इधर टीवी देख रहे थे तो हम खाना खा लिए थे यहाँ बैठ के। आप लोग टीवी में ही एकदम मस्त थे। मतलब खाने में भी मेरे आफत है यार, सुपर से मैं आज लगी हूँ। नहीं नहीं पूरा ऊपर से इसको नहीं नहीं खाल भेज के फिर जो है ऊपर से नीचे झाड़ू पोछा की, ऊपर से झाड़ू पोछा, नीचे झाड़ू पोछा, कपड़े धुली, नहाई, पूजा की, फिर इनके स्कूल गई, स्कूल से आई, तब से जो है थोड़ा देर तक आराम की, उसके बाद तब से किचन में लगी हूँ। हाँ ये लोग देख नहीं पाए, ये टीवी इधर देख रहे थे। खाने में भी आफत है मेरे। बोले थे लोग।